ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणे धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणे धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य जीतू सिंह और हमारे साथ हैं। नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य पंडित धनंजय दुबे। देखिए, पितृ पक्ष चल रहा था और सर्व पितृ श्राद्ध यानी पितृ पक्ष का आखिरी पड़ाव 17 तारीख को, 17 सितंबर को इसका समापन होगा, यानी हमारे पितृदेव वैकुंठ वापस चले जाएंगे। हमारे पूर्वज, हमारे अपने, जो हमारे अपने थे लेकिन आज हमसे थोड़ा सा दूर हैं, निगाहों से भले ही दूर हैं लेकिन दिल के बहुत करीब हैं। अभी भी होता क्या है कि बहुत समय तक हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, या हो सकता है पितृपक्ष के दौरान हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाए। क्या पितृपक्ष के अंतिम पड़ाव में, अमावस्या के टाइम पर, सर्व पितृ श्राद्ध पर क्या कोई चूक करनी चाहिए? नहीं, हमें हर विधि विधान से कुछ चीज़ें करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने पितरों से ले सकते हैं, इस समय आशीर्वाद ले सकते हैं उनका, और वो बहुत खुश होकर के आशीर्वाद देते हैं, लेकिन छोटी छोटी चूक परेशान कर सकती है। क्या कहते हैं आचार्य जी? बिल्कुल सही बात है कि बहुत छोटी छोटी असावधानियां होती हैं जो पितरों की ओर से हमें परेशानी में डाल सकती हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि घर में सब कुछ, हर चीज़ की संपन्नता है लेकिन कोई खुशी नहीं हो पाती है, शादी विवाह में अड़चने, यहाँ तक कि जो संतान की चाहत रखते हैं उनके जीवन में भी अड़चने। तो ये सवाल मैं आज पूछूंगा जीतू जी से कि आखिर ऐसा क्या है, पितरों के निमित्त ऐसा क्या किया जाए क्योंकि ये अड़चने खत्म हो, क्योंकि सारी खुशियां हमारी पितरों से ही निमित्त है। बिल्कुल, देखिए आचार्य जी, पितर तो संकेत देते हैं, हमें ही चूक कर जाते हैं, हम ही नहीं समझ पाते उन चीज़ों को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी, कैपेबल होते हैं बच्चे, पढ़े लिखे होते हैं, देखने में भी बहुत अच्छे होते हैं, पर शादी नहीं हो पाती, घर में खुशियाँ नहीं आती, संतान की उत्पत्ति नहीं होती, तो ऐसी चीज़ें होती कई साल लग जाते हैं, ऐसा लगता है कि घर में कोई खुशी आई ही नहीं। अब आपको हमेशा हर अमावस्या का, ये नहीं खाली पितृपक्ष आए 15 दिन आपने बहुत कुछ कर लिया उसके बाद टोटल उन्हें छोड़ देते हैं, एक साल तक उनका याद भी नहीं रखते कि हमारे पूर्वज थे, हमारे पुत्र थे, वो कैसे हमारे साथ रहते थे। तो एक तो दिल के एक कोने में उनकी जगह ज़रूर रखनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात आती है कि हर अमावस्या को पूरे साल, आप जितनी भी अमावस्याएँ हैं, हर अमावस्या में आपने घर से ही बना करके भोजन ज़रूर दान में देना है किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को। लेकिन ये भोजन का जो दान होता है, कई बार क्या करते हैं हम महिला को दे देते हैं तो पुरुषों को छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। एक पुरुष एक महिला, ज़रूरी नहीं है वो हस्बैंड वाइफ हों, कोई भी हों, एक पुरुष और एक महिला को आपने अन्न का, पके हुए अन्न का दान ज़रूर करना है, और एकदम सात्विक भोजन। बिल्कुल जी। और आचार्य जी मुझे एक बात बताइए, ये तो चले कि खुशियाँ आती हैं तो नहीं आती हैं तो बड़ी परेशान रहते हैं लोग, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग ना अकाल मृत्यु से बहुत डर जाते हैं, इतना डर होता है उनके अंदर, कभी कोई ऐसी घटना घटी हो तो जिंदगी भर उनको ना रिकॉल करती है, उसे निकल नहीं पाते हैं वो चीज़ें, और एक डर उनको और आगे आने वाले जीवन को सुखी नहीं करने देता है। तो क्या करना चाहिए ऐसे? नहीं, ये बात आपकी बड़ी सही है कि किसी के भी घर में भगवान ना करे कभी अकाल मृत्यु हो, लेकिन घटनाएं घट जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में एक डर का माहौल हो जाता है और जो व्यक्ति नज़दीक होता है पूरा जीवन डर के माहौल में निकालता है। ऐसी स्थिति में मैं आपको उपाय जरूर बताऊंगा ताकि इस डर से बाहर हो और पितरों की कृपा आप पे बनी रहे कि ऐसी अकाल दुर्घटनाएँ ना हों। तो ऐसी स्थिति में करना क्या है आपको कि गोदान करें, गौशाला में, किसी भी गौशाला में गोदान कर दीजिए, और साथ ही साथ गायों के लिए आप उनके खाने पीने का, दाने का, चारे का व्यवस्था जरूर करें, इससे काफ़ी लाभ होगा। और साथ ही साथ घर में एक परंपरा ख़त्म होती जा रही है कुल देवी कुल देवता के पूजन का। कुल देवी कुल देवता आपके पितरों में से ही हैं जो कि आपके पितरों को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी पूजा की परंपरा ये खत्म हो रही है, इसको शुरू कीजिए, कुल देवी देवता को पूजना शुरू कीजिए, इससे लाभ होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि
कई बार ऐसा होता है कि घर में सब कुछ सही है, कोई बीमारी डिटेक्ट नहीं होती, कुछ नहीं होता है, लेकिन आदमी महिला या पुरुष हमेशा बीमार रहता है, तो इसके बारे में आप बताएं कि कैसे पितरों की कृपा मिले। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि घर के अंदर जब बीमारियां होती हैं तो खुशियां बहुत दूर चली जाती हैं उस घर से, और तो और धन की बहुत ज़्यादा क्षति होती है। इसके अलावा माइंड लेवल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, जहाँ आप अपनी तरक्की के घेरे में जा ही नहीं पाते हो, क्योंकि सोच ही नहीं पाएंगे। जब स्वस्थ होंगे तभी तो सोचेंगे, तभी कहा जाता है ना कि जब आप फिट होते हैं तभी हिट होते हैं, तो ऐसे में फिट रहना बहुत ज़रूरी होता है। पितृ पक्ष के दौरान अगर आप लोगों ने ये उपाय नहीं किया है तो अब आप ये उपाय कर सकते हैं। एक तो सर्व पितृ श्राद्ध के दिन आप 5 पीपल के पेड़ या तो मंदिर के एरिया में लगाइए, कंपाउंड में लगवा दीजिए, या फिर आप शमशान घाट में जाकर के 5 पीपल के पेड़ लगवा दीजिए। इससे पितृ दोष को शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है और आपके घर से बीमारियां दूर होती हैं। अच्छा जी, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ बच्चे कहते हैं ना कि स्टेबल होने के टाइम पर होते हैं, और पेरेंट्स के लिए बड़ी दुविधा की बात होती है, जब बच्चों को पढ़ा दिया, सब कर दिया, उसके बाद भी उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। कारण कभी शादी भी होता है, कई बार कारण होता है कि उनको नौकरी नहीं मिल पाती, नौकरी मिलती है छूट जाती है, तो ऐसे टाइम पर ऐसा क्या उपाय करें ताकि ये पितृ उनके घर में एक स्टेबिलिटी भी लेकर के आए बच्चों की जिंदगी में। देखिए, ये आपने बड़ा सही सवाल पूछा कि पढ़ लिख के भी बच्चे भटक रहे हैं, सही जो वो चाहते हैं वैसी नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं कर पा रहे हैं, ना कोई उद्योग कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें पितरों की कृपा चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम यही कहेंगे कि वो बच्चे अपने रोजी रोजगार के लिए जो बाहर निकले हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आप निरंतर हमेशा पूर्णिमा अमावस ये 2 दिनों में दान तो करें। दान कहीं भी कीजिए, मंदिर में कीजिए, किसी व्यक्ति विशेष को कीजिए, व्यक्ति को कीजिए, करना शुरू कीजिए, अपने पितरों को प्रणाम करना शुरू कीजिए। सुबह उठते हैं उन्हें सिर झुकाइए, देखिए आपका काम इतनी तेजी से होगा कि आपको भी विश्वास नहीं होगा और आप सफलता के उन ऊंचाइयों तक पहुँचेंगे। लेकिन मैं अब एक चीज़ ज़रूर पूछूँगा आपसे कि जैसे ये सर्वपितृ श्राद्ध है, तो सर्वपितृ श्राद्ध पे आप कोई एक ऐसा उपाय बताइए कि कई बार होता है कि हमारे सारे पितरों के लिए वो फलित हो, वो उचित हो। जी बिल्कुल, देखिए सर्वपितृ श्राद्ध पर हमेशा आपको अपने घर का बना हुआ भोजन जाकर के मंदिर में जरूर देना चाहिए और दक्षिणा सहित। और उसमें एक चीज और करनी है आपने कि जो जल देते हैं, कई बार क्या करते हैं कि हम लोग गिलास ले जाते हैं घर से, वो जल जो है वो मंदिर में जा करके भर के दे देते हैं, नहीं, घर से ही आपने जल भी लेकर के जाना है, अन्न भी लेकर के जाना है पका हुआ, एकदम सात्विक अन्न लेकर के जाना है, और साथ के साथ दक्षिणा जरूर देनी है। ये समय एक ऐसा समय होता है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे घर में या परिवार में कोई ऐसी मृत्यु नहीं हुई है या फिर हमारे घर में कोई ऐसे पितरों का श्राद्ध तर्पण नहीं किया जाता, ऋषि मुनियों के लिए किया जाता है, सुख सुविधाओं के लिए भी इस दान को करना ज़रूरी माना जाता है सर्व पितृ श्राद्ध यानी अमावस्या के तौर पर। तो आचार्य जी, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने सब तक पहुँचाई है और हमें लगता है कि दर्शकों तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी। और आप इसी तरीके से ही सारी विधि विधान से चीज़ें कीजिए ताकि आपके घर में हमेशा सुख सुविधाएं बनी रहे। जल्दी हाजिर होंगे हम जो एक और वीडियो के लेकर के, बहुत खास खास वीडियो, हम स्पेशल वीडियोस खास करके हम साथ ही लेकर के आते हैं, तो आप अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते।